मोहतरम दोस्तों, ये हमारे बम्बई की चूना भट्टी मस्जिद के ये तमाम साथी है, वहाँ के मस्जिदवार जमात के ये साथी है। माशाल्लाह, हमारे इन साथियों ने ईद के मुबारक दिन बम्बई के रोड़ों के ऊपर हमारी खिदमत में लगे हुए पुलिस महकमे के जो लोग थे, ऐसे 600 पुलिस वालों के दरमियान में उनके नीचे के लेवल से लेके ऊपर के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उन तक तमाम को मिठाइयों के ये डब्बे और मिठाइयों के ये पैकेट्स पहुंचाए और प्यार का, मोहब्बत का, सद्भावना का उन लोगों को जो है एक मैसेज दिया। माशाल्लाह, हमारे दावत का काम करने वाले साथियों का ये जो अमल है, चूना भट्टी हलके के हमारे जिन साथियों ने ये काम किया, वाकई में भी आपका ये काम एक मिसाली काम है। और ये हमारे 6 सिफात के बाहर नहीं है, मैं अब आपको बता दूँ। हम लोग 6 सिफात के बयान में कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में 100% कामयाबी है और उनसे हटकर जितने तरीक़े हैं उसमें 100% नाकामी है। ये भी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाने के बाद मदीना मुनव्वरा के यहूद को, वहाँ के मुनाफिकीन को, वहाँ के दूसरे कम्युनिटीज़ के लोगों को ऐसा समेट के लेकर आप चले। आपने उनके साथ जो प्यार का, मोहब्बत का, अखलाक का मुआमला किया कि साथ साथ 100 घराने यहूद के वो मुसलमानों के ग़ुलाम बन चुके थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम को आज़ाद कराने का हुक्म दिया। बदर के जो कैदी मुसलमानों के कब्ज़े में आए थे, उन कैदियों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खिलाने का, उनके साथ हुस्ने सुलूक करने का, उनको आज़ाद करने का आपने हुक्म दिया। हालांकि उस ज़माने के अंदर जो लोग कैदी बनकर आते थे, सीधा सीधा उनकी गर्दनें काट दी जाती थी, लेकिन ये अखलाक, ये प्यार, ये मोहब्बत, तो हम जो बयानों में कहते हैं कि अल्लाह के नबी के तरीक़े में 100% कामयाबी है, ये अल्लाह के नबी का ही तरीक़ा है कि अल्लाह की वो मखलूक, वो पुलिस वाले जो अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदार से, अपने गाँव से, अपने बस्तियों से दूर हमारी सेवा में, हमारी खिदमत में लगे हुए हैं, वैसे पुलिस वालों को ईद के दिन जब हम हमारे घरों में खुशियां मना रहे हैं और वो उस दिन भी रोड़ों रास्तों के बीच में हमारी सेवा और खिदमत में बैठे हुए हैं, वाकई में भी हमारे चूना भट्टी हलके के ये जो साथी हैं, इन साथियों ने पूरी दुनिया के दावत का काम करने वाले साथियों को एक पॉजिटिव मैसेज दिया और ये बतला दिया कि सोशल वर्क ये भी हमारे 6 सिफात के अंदर आता है। और इतना ही नहीं, मैंने कारगुजारी सुना हूँ हमारे साथियों की ज़ुबानी, हमारे जकरिया भाई तैबानी जो है उनको इस जमात का ज़िम्मेदार बनाया गया था, तो उन्हीं के जो बड़े भाई है हुज़ैफ़ा भाई तैबानी, उनसे मैंने पूरी कारगुजारी सुना, तो तकरीबन पूरा महीना, ये जो पूरा महीना है, पूरे महीने के अंदर वो पूरे इलाके में ऐसा कोई मकान, ऐसा कोई घर नहीं जिस घर के अंदर इन लोगों ने ज़रूरियात का सामान ना पहुँचाया हो। यहाँ तक के मदारिस का ख्याल रखा, आखिर दिनों में जब इनको जहन में आया कि मदारिस के चंदे बंद हो चुके हैं, तो कई ऐसे बड़े बड़े मदरसे उनकी तहकीकात करके उन मदरसों में जो बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं यूपी के, बिहार के, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के, उन बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए ऐसे कई मदरसों के तलबा में 300-300 रुपये वहाँ के असातेज़ा को हसब इस्तेताअत, कहीं पे 2,000-2,000 रुपये, कहीं पे 5,000-5,000 रुपये, मस्जिदों में काम करने वाले साथियों तक हमारे इन साथियों ने जो तआवुन पहुँचाया है, मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह हमारे इन साथियों की इस जहद को, इस कोशिश को कबूल फरमा और बाकी दुनिया में भी हमारे जो काम करने वाले करोड़ों साथी हैं उनको अल्लाह इस वाक़े से इबरत हासिल करने वाला बनाए कि दावत का अमल सिर्फ जेब में मिसवाक रखकर घूमना और ऊंचा पाजामा पहनना और लंबा जुब्बा पहनना सिर्फ यही दावत का अमल नहीं है, बल्कि अल्लाह की मखलूक के साथ हुस्ने सुलूक करके उनको ये मैसेज और पैगाम देना कि तबलीगी साथी ऐसे भी होते हैं, वक्त और ज़रूरत पड़ने के ऊपर वो अपने बस्ती महल्ले वालों का भी, अपने इलाके के मदारिस का भी, और इसी तरीके से अल्लाह की मखलूक जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका भी ख्याल रखते हैं। मैं दुआएं करता हूँ अल्लाह आपके इस अमल को बे इंतहा कबूल फरमाएँ और पूरी दुनिया के अंदर
हमको इससे दर्स हासिल करके आप लोगों की तरह से ही हर हर इलाके के दावत के काम के साथियों को वक्त और ज़रूरत पड़ने पर इसी तरीके से सोशल वर्क करके अल्लाह की मखलूक़ को एक पॉजिटिव मैसेज देकर उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।